Hey guys, hi, welcome back to my channel. मैं हूँ शाइनी. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नाइका हॉल अंडर जस्ट ₹300 एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर जस्ट अंडर ₹200 ओनली. जस्ट एक दो चीजें शायद ₹300 होंगे एंड दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय नाइका. मैंने खुद से ये मेरे पैसे से ये सारे प्रोडक्ट्स को परचेज किया है. सो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है एंड एक चिट चैट इंटरक्टिव वीडियो होने वाला है जहां मैं आप लोगों के साथ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो. सो गाइस, ऑलरेडी मैंने नाइका हॉल वीडियो शेयर किया है अंडर ₹100. सो अगर आप उसे चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करने से आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं. सो आज का जो पहला प्रोडक्ट मैं शेयर करने वाली हूँ वो मेरा काफी फेवरेट प्रोडक्ट है, विच इज दिस निविया डिओड्रेंट. ये एक रोल ऑन डिओ स्टिक टाइप्स है और इसका जो फ्रेग्रेंस है ना, आई मस्ट से अगर आप इन वेरिएंट्स को ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे पहले, इसका जो फ्रेग्रेंस है इसे पहले ट्राई कीजिए. दिस इज फ्रेश नेचुरल. सो आप ये वाला पहले ट्राई कीजिए क्योंकि ये आपको बहुत पसंद आएगा. नो मैटर आप मैन है या वुमेन है, बट आपको काफी अच्छा लगेगा ये इसका फ्रेग्रेंस, बिकॉज बहुत ही ज्यादा फ्रेश एंड फ्रेश इसका फ्रेग्रेंस है. दैट्स ऑल आई कैन से, बिकॉज मुझे काफी अच्छा लगा इसका फ्रेग्रेंस एंड यू मस्ट ट्राई दिस वन. एंड इसका जो रिटर्न प्राइस है वो है जस्ट ₹185. ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में डेफिनेटली नाइका में मिल जाएगा. यू कैन सी आई हैव यूज्ड क्वाइट अ लॉट एंड ये ना काफी ज्यादा जेल लाइक कंसिस्टेंसी में है और इसका कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा फ्रेग्रेंस नहीं है. जस्ट ये आपकी बॉडी को फ्रेश रखता है और काफी ज्यादा बैक्टीरिया फ्री भी रखता है. सो आई रियली लव दिस वन. आप एक बार डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं. बॉडी ओडर तो ये दूर करता ही करता है, मतलब होने ही नहीं देता, बट ये एक फ्रेशनेस भी देता है आपकी बॉडी को. सो दैट्स ग्रेट. ओके, सो जो नेक्स्ट है वो एक रैंडम प्रोडक्ट है, विच इज दिस हेयर रिमूवल क्रीम फ्रॉम फेम. और इसको मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, बट आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट फेम हेयर रिमूवल क्रीम. सो आई विल ट्राई दिस वन. और ये ड्राई स्किन के लिए है, बिकॉज माई स्किन इज ऑलरेडी ड्राई और विंटर सीजन में तो और भी ज्यादा ड्राई है. और ये सैंडल भी है, इसमें सैंडल भी है और इसमें 50% एक्स्ट्रा भी है एंड दिस इज रियली अफोर्डेबल. ये सिर्फ 65 रुपीज का है और मैं इसे डेफिनेटली ट्राई करूंगी और आप लोगों के साथ इसका जो रिव्यू है वो भी शेयर करूंगी. और अगर आप में से किसी ने इसे ट्राई किया है देन प्लीज डू लेट मी नो अबाउट कि ये कैसा है. नेक्स्ट जो है वो एक फेस वॉश है जो मैंने ऑलरेडी इस्तेमाल किया है एंड ये पूरा एम्प्टी हो चुका है. एंड मैंने सोचा कि इसे मैं अपने एम्प्टी मंथली एम्प्टीज जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जहां पर मैं पूरे मंथ का जो भी मेरे प्रोडक्ट्स मैंने इस्तेमाल किया है तो वो एम्प्टी प्रोडक्ट्स एम्प्टी बॉटल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि डेफिनेटली अगर एम्प्टी है तो वो मुझे अच्छा लगा है या नहीं लगा है. पीआर में जो मुझे रिसीव होता है सब कुछ मैं ऑनेस्टली आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करती हूँ. तो मेक श्योर आप अगर एम्प्टीज वीडियो चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक जरूर करें. सो ये है बॉडी क्यूपिड डीप क्लैरिफाइंग फेस वॉश. सो ये फेस वॉश ना पहले मुझे लगा था कि ये मेरे स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी में था तो आई थॉट कि इट विल नॉट सूट माय स्किन. बट जैसे ही मैंने इसे इस्तेमाल करना स्टार्ट किया आई रियली लव्ड यूजिंग दिस फेस वॉश, क्योंकि अगर आपकी स्किन ड्राई है ना तो आप डेफिनेटली इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ना ये फेस को ना एकदम डीपली क्लीन करता है और ड्राई भी नहीं बनाता. और अगर मैंने जब मेकअप किया है उसके बाद मैंने मेकअप को रिमूव किया फिर भी तो थोड़ा बहुत तो रेसिड्यू रह ही जाता है ना. दैट्स व्हाई वी यूज फेस वॉश. तो ये ना स्किन को एकदम डीपली क्लीन करता है, रेसिड्यूज ऑफ मेकअप पोल्यूशन डर्ट सब कुछ रिमूव करता है. सो ये मुझे काफी अच्छा लगा और इट रिटेल्स फॉर ₹299. मैंने नाइका पर चेक किया है, ये काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल जाएगा. सो या इसका कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस भी नहीं है, बहुत ही माइल्ड एक फेस वॉश है बट डीपली क्लीन करता है. दैट्स द प्लस पॉइंट. जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना वो एक परफेक्ट प्रोडक्ट है फॉर विंटर हॉल, क्योंकि ये है जॉय वेलवेट शिया एक बॉडी लोशन. यू कैन सी ये काफी ज्यादा बड़ा है, अच्छी क्वांटिटी में है एंड मैं इसे शायद 15 डेज से उससे ज्यादा ही होगा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एंड ये इतना सा शायद खत्म हुआ है. बट ये काफी कम क्वांटिटी में इसे चाहिए, बट ये इंटेंसली मॉइस्चराइज करता है एंड बहुत ही अफोर्डेबल रेट में आपको मिल रहा है एंड पैकेजिंग भी काफी हैंडी है. इसमें आपको स्मॉल साइज भी मिल जाएगी, ये ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग नहीं है आई नो, बट ये मुझे काफी अच्छा लगा. इसका जो फ्रेग्रेंस है इसमें काफी सारे वेरियंट्स है, मैंने चेक किया है, हनी वाला फ्रेग्रेंस है, वेरियंट है,
फिर एक होता है जो ब्लू कलर का एक आता है, आई डोंट नो द नेम ऑफ द वेरिएंट, बट एक ब्लू कलर में आता है वो भी है. तो काफी सारे वेरिएंट्स है, बट ये वाला ना आप डेफिनेटली ट्राई करना. इसका एक फ्लावरी सा बहुत ही खूबसूरत सा एक फ्रेग्रेंस है, बट गर्ली फ्रेग्रेंस है. मेन के लिए शायद ब्लू वाला ठीक रहेगा, बट ये बहुत ही ज्यादा गर्ली और फ्लावरी सा फ्रेग्रेंस है और बहुत ही ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है, लाइट वेट भी है. सो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं. इसका ना प्राइस है 400 ml का ये बॉटल है, इसका प्राइस है 265 rupees. मेरे ख्याल से ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है. नेक्स्ट जॉय का ही एक अनदर प्रोडक्ट है, डिटो, मतलब डुप्लीकेट जैसा लगता है मुझे, डॉट एंड की के क्रीम्स की तरह एंड फेस पैक की तरह वैसा ही इसका पैकेजिंग है. बहुत ही क्यूट लगा मुझे इसका पैकेजिंग. फ्रॉस्टेड बॉटल में है ये, मतलब कंटेनर में है ये. और ये है जॉय एंटी एजिंग रिंकल करेक्टर क्रीम, और इसका प्राइस है 235 rupees. सो एंटी एजिंग क्रीम 235 rupees में इट्स क्वाइट गुड ओनली. लेकिन इसका जो इफेक्ट है, इसका जो रिजल्ट है वो कितना हद तक है वो मैं नहीं बता पाऊंगी, बिकॉज मेरे फेस पर रिंकल्स नहीं है. बट डेफिनेटली ये काफी, इसका जो कंसिस्टेंसी है ना वो काफी वेलवेटी सा एंड स्मूथ सा इसका कंसिस्टेंसी है, इसीलिए मैंने इसे इस्तेमाल करना स्टार्ट किया एंड मुझे बहुत पसंद आया इसका कंसिस्टेंसी. बट हाँ, आई डोंट नो, मेरे आईज ना बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है. कोई भी क्रीम मेरे आईज पर लगाती हूँ अदर देन एनी आई क्रीम, तो मेरे आईज ना बहुत ही ज्यादा जलने स्टार्ट हो जाते हैं. तो ये भी ना मेरे आई के चारों ओर भी अगर मैं लगाती हूँ फिर भी इतना ज्यादा जलने स्टार्ट हो जाता है, और इसका ना थोड़ा सा व्हाइट कास्ट ये छोड़ता है. तो आप ना, अगर आपकी स्किन मेरी तरह सेंसिटिव है, अगर आपकी आईज सेंसिटिव है, तो आप जस्ट अपने चीक्स पर और अपने चिन पर ही और फोरहेड पर अप्लाई कीजिए, दैट्स इट. नेक्स्ट एक जेल मैं शेयर करूंगी, ये है वाउ स्किन साइंस विटामिन सी स्लीपिंग नाइट जेल. सो इसके नाम से यू कैन सी कि ये नाइट जेल है, बट मैं इसे नाइट में नहीं इस्तेमाल करती, मैं इसे दिन में ही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मैं घर पर हूँ. तो जब मैं घर पर हूँ तब मैं डे टाइम इसे शावर लेने से पहले इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये ना फेस को काफी ज्यादा सॉफ्ट बनाता है एंड बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस एक लुक देता है. तो अगर आप मेकअप कर रहे हैं उससे पहले एज अ फेस प्राइमर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा जेल, विटामिन सी जेल, ये सब जेल ना हम फेस पर एज अ प्राइमर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो मैं इसे एज अ प्राइमर कभी कभार इस्तेमाल करती हूँ, कभी कभार शावर लेने से पहले, ऐसे ही जब हम लोग मॉर्निंग में फेस वॉश करते हैं उसके बाद कुछ चाहिए लगाने के लिए, तो मैं इसे इस्तेमाल कर लेती हूँ. और ये काफी अच्छा, मतलब फेस को ना बहुत ही ज्यादा टाइटन करता है. तो आई रियली लव दिस वन. मतलब वाओ का जो एलोवेरा जेल है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, उससे तो ये काफी बेटर है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा. और इसका प्राइस है 399 rupees 150 ml का, बट डेफिनेटली ये आपको 100 rupees ऑफ में तो मिल ही जाएगा, इजीली मिल जाएगा. सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो. आई होप ये नायका हॉल आप सबको अच्छा लगा. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं हर रोज वीडियोस अपलोड करती हूँ. आज के लिए इतना ही. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय.